नमस्कार, स्वागत है आप सबका जीवीएन 24 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। पीपरा प्रखंड के जोलनिया में अवस्थित कैलाशपुरी स्थान की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। आज पीपरा सीईओ उमा कुमारी और थाना अध्यक्ष अमित कुमार के नेतृत्व में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी रही। प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाकर कैलाशपुरी स्थान की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इस दौरान जेसीबी से अतिक्रमण किए गए जमीन से संरचना को हटाया गया। कैलाशपुरी स्थान की जमीन से अतिक्रमण हटाने के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। बताया गया है कि करीब 40 वर्षों से कैलाशपुरी स्थान की 12 एकड़ जमीन अतिक्रमण की चपेट में थी, जिसे पूरे प्रशासन ने अतिक्रमण मुक्त कराया। मालूम हो कि कैलाशपुरी स्थान आसपास के इलाके के लोगों के लिए आस्था का केंद्र रहा है। मंदिर की जमीन से अतिक्रमण हटाने पर स्थानीय लोगों में खुशी की लहर देखने को मिली। देखिए इस बारे में उमा कुमारी सीईओ पीपरा से क्या कहना है। यहाँ वर्षों से कैलाशपुरी मेला की जमीन है, ये यहाँ मेला लगता था, लोगों का काफी आस्था जुड़ा हुआ है यहाँ से। ये जमीन वर्षों से अतिक्रमित था, इसलिए नागपंचमी के पहले इस पर पहल की गई कि इसको खाली कराया जा रहा है। अब मेला लगेगा, लोग अपना यूज करेंगे, मंदिर की संपत्ति है, मंदिर को मंदिर के पास आ जाएगी। कितना जमीन अतिक्रमण था इसका? एग्जैक्ट डेटा याद नहीं। कितना दिन, कब से था, कब से था अतिक्रमण? अतिक्रमण तो लगभग सुनने में यही आ रहा है कि 40 वर्षों से था। कितना में हो गया खाली? नहीं, कोई परेशानी भी नहीं? परेशानी अभी तक तो नहीं है। इस अतिक्रमण में आवासीय घर भी पड़ा है? हाँ, आवासीय घर है, घर में जरूर आम जमीन है वो। फिलहाल इस खबर में इतना ही। लगातार देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए जीवीएन 24 न्यूज के साथ।